तो मैं सभी झारखंड निवासियों से, मतदाताओं से पुनः हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि जिस तरह से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आसाम दंश झेल रहा है, मेरा मध्य प्रदेश दंश झेल रहा है, आदिवासी वहां से घुट घुट के मर रहे हैं, आपसे निवेदन है कि इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जो भी विधायक सांसद खड़े होंगे, विधायक खड़े होंगे, उनको कतई वोट मत दीजिएगा। यदि आपने वोट दिया तो आने वाली पीढ़ी जो है दर दर भटकेगी और आपके जल जंगल जमीन के अधिकार भटकेंगे। क्या पूरे सडानी की तरफ से लोगों को डंडा मारने के लिए उनके ऊपर पेट्रोल बम फेंकने का काम करेगा? और ये किसके सारे पे हो रहा है? सत्ता के सारे पे हो रहा है। उस पुलिस को उपलब्ध कौन करवा रहा है? वही सत्ता करवा रही है ना। बस्तर के अंदर आप देख लीजिए, अभी पिछले एक महीने के अंदर एक हमारे यहाँ नारायणपुर में एक रैली होती है, आदिवासियों की एक बड़ी रैली होती है। उस रैली में उस परियोजना का विरोध होता है कि अबुझमाड़ के अंदर जो 55,000 हेक्टेयर जमीन जा रही है उसमें एक लड़का है जो लॉ की पढ़ाई कर रहा है, आदिवासी युवा है, वो वकील की पढ़ाई कर रहा है, छात्रावास में रह रहा है, वो उस कार्यक्रम में शामिल हुआ। अगले दो दिन बाद उसको माओवादी कल को उठा लिया गया। मतलब यदि कि आप ये जो परियोजना है जल जंगल जमीन लूट की, जो कॉरपोरेट की परियोजना है, या जो सत्ता जो चाह रही है, यदि आप विरोध करेंगे तो आप जेल के अंदर रहेंगे, आप विरोध करेंगे तो आपके ऊपर लाठी आपको पड़ेगी। तो फिर सवाल ये है कि आप घोषित कर दीजिए कि इस देश में संविधान नहीं है, इस देश में लोकतंत्र नहीं है, ये देश जो है वो अडानी के अनुसार चलेगा, जो अडानी बोलेगा वो चलेगा, ये देश जो है वो सारे लोगों के संवैधानिक अधिकारों को ख़त्म करके पुलिस स्टेट बना दीजिए। तो ये जो इस्तेमाल हो रहा है बीजेपी का लगातार कॉरपोरेट के लिए, पूंजीपतियों के लिए। और एक अंत में बस बात जोड़ दूं कि देखिए हम बहुत बुरे दौर में हैं। पिछले 30 सालों में इस देश के जनवादी संगठनों ने, आदिवासी समाज ने लड़ाई लड़के बहुत सारे जनपक्षी कानून बनाए थे, चाहे वो पैसा अधिनियम हो, चाहे वो वन अधिकार कानून हो। आज यदि हम ग्राम सभाओं की बात कर रहे हैं तो ये कानून है जो यूपीए के दरमियान बने। बीजेपी क्या कर रही है? उन सारे कानूनों को ख़त्म कर रही है जो कानून संसाधनों की लूट में ग्राम सभाओं का या समाज को एक ताकत देता है। वन संरक्षण अधिनियम कोर्ट से स्टे है, वन संरक्षण अधिनियम लाया इसीलिए गया ताकि जो वन अधिकार कानून के जो प्रावधान है उनको ख़त्म कर दिया जाए और कॉरपोरेट जिस जंगल पे हाथ रखेगा वो जंगल उसका है। ये अंतर है और ये भाजपा कर रही है और इन्हीं नीतियों का हम विरोध कर रहे हैं, नीतियों के खिलाफ लड़ रहे हैं कि समाज की संपत्ति अब सब कुछ पूंजीपतियों के हाथ में नहीं सौंप। फिर ये कहेंगे कि नहीं हमने तो आपकी विकास के लिए ये सब कर रहे हैं। कौन सी विकास? लाठी चलाने की विकास हो रही है, पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है उसका विकास हुआ है, फर्जी आदिवासियों के ऊपर फर्जी मुकदमा हो रहे हैं उसकी विकास हो रही है, आदिवासियों को गोली मारा जा रहा है छत्तीसगढ़ में उनकी विकास हो रही है, हमारे जो संवैधानिक अधिकार हैं ग्राम सभा का उसको छीन करके निजी कंपनियों को आप मुनाफा पहुंचा रहे हैं उसकी विकास हो रही है। तो फिर आप आदिवासी मुख्यमंत्री और राष्ट्रपति बना करके क्या साबित करना चाहते हैं? इसके मतलब यह है कि आदिवासियों को आप बेवकूफ बनाने के लिए काम कर रहे हैं, ये स्पष्ट जो भाजपा की सरकार है वहाँ से दिख रहा है। और अभी हम जितना मैंने आदिवासियों को जो तोड़ने का काम किया जा रहा है, कमज़ोर बनाने का काम किया जा रहा है, वो भाजपा की ओर से किया जा रहा है, चाहे किसी भी राज्य में देखिए, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, और वो धर्म के नाम से लड़ा रहा है। यहाँ कहा जा रहा है कि भाई हेमंत सोरेन ने क्या किया, कम से कम सरना कोर्ट बिल का तो लाने का काम किए, और हमको तो वहाँ छत्तीसगढ़ में आप ईसाई हो, आप हिंदू हो, आप मुसलमान हो कर कहा करके हमारे बस्तर संभाग में तमाम प्रकार से आरएसएस के द्वारा हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। तो फिर हमें एक मुखौटा सरकार दे करके, मुख्यमंत्री दे करके, राष्ट्रपति दे करके हमारे सारे जो संवैधानिक अधिकार हैं उसको आप छीन रहे हो और कहोगे कि आपकी विकास हो रही है, तो फिर वो विकास नहीं है, हमारे आँखों पे आप धूल झिड़क रहे हो और कहीं ना कहीं बड़ी साजिश में हम आदिवासियों के साथ हमारे राज्य को और हमारे देश को आप गर्त की ओर ले जा रहे हैं। आदिवासी जिंदा रहेगा तो पर्यावरण जिंदा रहेगा, पर्यावरण संरक्षित रहेगा, लेकिन आदिवासियों को ख़त्म करने का लगातार जो डबल इंजन की सरकार
ने काम किया है मध्य प्रदेश में, और मुझे भी जो है 10 महीने जेल में रखा कि मैंने आदिवासियों की जल जंगल जमीन को बचाने का प्रयास किया, मेरे भी जो है चुनाव लड़ने के अधिकारों को भी हनन किया, मुझे चुनाव के समय में जेल से किसी से बात नहीं करने दिया गया, प्रचार करने नहीं दिया गया, और इसके साथ साथ में मैं पूरे झारखंड के आदिवासियों को निवेदन करना चाहता हूँ और चेतावनी देना चाहता हूँ, चेतावनी देने के लिए मैं ही यहाँ आया हूँ कि मध्य प्रदेश की धरती में जिस तरह से आदिवासियों के साथ में अन्याय अत्याचार हो रहे हैं, उन्हें जल जंगल जमीन से विस्थापित किया जा रहा है, उन्हें बड़ी बड़ी परियोजनाओं के माध्यम से जो है उनके घर से, उनकी ज़मीन से और उनके वंशजों को मिटाने का जो षड्यंत्र चल रहा है, इसीलिए मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ मेरे सगा पाड़ियों से कि मैं सभी झारखंड निवासियों से, मतदाताओं से पुनः हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि जिस तरह से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आसाम दंश झेल रहा है, मेरा मध्य प्रदेश दंश झेल रहा है, आदिवासी वहाँ से घुट घुट के मर रहे हैं, आपसे निवेदन है कि इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जो भी विधायक सांसद खड़े होंगे, विधायक खड़े होंगे, उनको कतई वोट मत दीजिएगा। यदि आपने वोट दिया तो आने वाली पीढ़ी जो है दर दर भटकेगी और आपके जल जंगल जमीन के अधिकार भटकेंगे, आप भूख गरीबी और बेरोजगारी से और जो फ्री की जो रेवड़ी है, फ्री की रेवड़ी से भी बचने की आपको आवश्यकता है, क्योंकि सरकारें हमें निस्तो नाबूद करना चाहती है और हमारे जो महानायकों ने जो कुर्बानी देकर हमारे जल जंगल जमीन को बचाया था उनको हड़पना चाहती है और बड़े बड़े व्यापारियों को, अडानी अंबानी को देना चाहती है। यदि आपको अपनी ज़मीन, अपना घर, अपने बच्चे और बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य बचाना चाहते हैं तो मेरा फिर से हाथ जोड़ के निवेदन है कि भारतीय जनता पार्टी को कतई वोट मत दीजिएगा। सबको सेवा जुहार।